एक्चुअली मेरे 3 रिलीजेस थे 1 महीने में, तो बहुत टाइम नहीं मिला स्टाइलिंग सबके लिए. तो एक दिन मेरी नानी घर पे थी और वो देख रही थी, हम लोग कपड़े ट्राई कर रहे थे, और उसको पता है कि मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, कोई और लैंग्वेज में है. तो वो कह रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कपड़े ट्राई कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ना है. तो ऐसे नहीं, नहीं देखना है कि कौन से दिन पे क्या. तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साड़ीज़ हैं, पहन लो, टाइम वेस्ट मत करो कपड़ों पे, फोकस एक्टिंग पे रखो. तो वो अपने पुराने साड़ीज़ इतने सारे 3 थप्पी लेकर आई, और शी टोल्ड मी, एंड ये मेरा खुद का टी शर्ट है एक्चुअली, जो मैंने ब्लाउज़ के जैसे पहन लिया. एंड ये मेरी नानी की साड़ी है, इट्स वेरी ओल्ड, इट्स आई आस्क हर एग्जैक्टली हाउ ओल्ड, बट आई रिमेंबर जब मैं बहुत 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 छोटी थी, लाइक 2 and 3 years की थी, तब की है. एंड इट्स अ 15 rupee साड़ी, दैट आई नो. आई शुड गेट अ वीडियो ऑफ हर सेइंग इट ऑल्सो, लाइक 15, हाँ, इवन व्हेन शी सेड 15, आई सेड 15. सो शी सेड हाँ, एंड 15 वॉज वेरी एक्सपेंसिव देन, वेन एवर शी गॉट दिस साड़ी. तो या आई हैव लॉट ऑफ हर साड़ीज नाउ, एंड आई थॉट कि मैं पहनती हूँ, आप लोग भी खुश होते हो, एंड अच्छा भी दिखता है, एंड इट सेव्स मी सम टाइम. सो आई एन्जॉय वेयरिंग इट. आपने बैक टू बैक रिलीज दिया है, केरला स्टोरी, बेनेडिक्टस, केरला स्टोरी, बस्टर, सनफ्लावर सीजन 2. हाउ इज योर एक्सपीरियंस, और इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी वी हैव एक्सपीरियंस, और हम आपको साउथ से ही फॉलो कर रहे हैं. आपका लाइफ में जो मतलब चेंजेस है कैरेक्टर के प्रति, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ऑडियंस आपको हर मूवी में एक नई अदा देखते हैं जी. हाउ यू फील अबाउट आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट भी करते हैं अलग अलग किरदारों में, बिकॉज वो कभी मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, बिकॉज एन ऑडियंस उनको सिर्फ एक तरीके के रोल में पसंद करते हैं. सो लाइक केरला स्टोरी के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, एक्चुअली 1920 के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं अभी तुम सिर्फ वैसी ही फिल्म मेक करोगी, या केरला स्टोरी के बाद भी पीपल सेड कि नहीं अभी ये सीरियस वाले रोल्स. एंड फिर सनफ्लावर केम, एंड सनफ्लावर हैज़ लॉट ऑफ कॉमेडी एंड क्रेजीनेस इन इट. एंड फिर बस्तर भी आई जो बहुत सीरियस है, एंड केरला स्टोरी थिएट्रिकल के बाद कमांडो भी था जहाँ पे एक्शन है. तो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड. एक साल भी नहीं हुआ है, 8 महीने हुए हैं जब से केरला स्टोरी थिएटर में रिलीज़ हुई थी. सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतने सारे डिफरेंट रोल्स मिल रहे हैं, एंड आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसे रोल्स मिले जहाँ पे अलग अलग अदाएँ जैसे आपने कहा मैं पेश करूँ. नहीं, अलग रोल के लिए तो मैं तरसती हूँ. कैसे रोल मिले वो क्वेश्चन है. जब रोल मिलने के बाद तो एज एन एक्टर आप मेहनत करो. हर रोल के लिए ऑफकोर्स डिफरेंट तैयारी होती है, बट मैं वेट करती हूँ कि कुछ एकदम कुछ अलग हो जो अदा से अलग है, तो उस पर मेहनत करके कुछ और नया कुछ कर सके. यस, हाँ एब्सोल्युटली. फर्स्टली मैंने इतना बोल्ड और एक हॉट अंदाज में एक चार्मिंग लड़की, बार डांसर का रोल भी मैंने नहीं किया है पहले, एंड वो काफ़ी अजीब किस्म की है. आई मीन लोगों के आई बॉल सब रख रही है और मर्डर में इन्वॉल्व है. तो पर मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने बहुत साइकोपैथ की डॉक्यूमेंट्रीज देखी, और हाँ आई वॉच, आई मेट अ लॉट ऑफ बार डांसर्स रियल लाइफ में भी. मुझे देखना था, बिकॉज जैसे हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, अपनी बॉडी से हम लोग थोड़े, मैं तो हूँ थोड़ी कॉन्शियस, आई मीन थोड़े से तो हम लोग हैं, हम लोग इतने फ्री नहीं हैं. एंड मैंने देखा उन लड़कियों का जो अंदाज था, जब भी वो डांस नहीं कर रहे थे तब भी, लाइक वो ऐसे ही बैठ रहे हैं, जब किसी से बात भी नहीं कर रहे पर वो बैठ रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ओपन था. तो आई ट्राइड कि मैं वो अपने बॉडी लैंग्वेज में लूँ. एंड डांसिंग के लिए ऑफकोर्स आपको कोरियोग्राफर स्टेप्स देंगे, तो आप वो कॉपी करके वो आप वो अदाएँ कर सकते हैं. बट बहुत ही आपको बहुत लाइक आई डोंट नो, आई वुड से द इट गोज़ टू द डायरेक्टर, द राइटर. विकास बहल और चैताली ने जो कैरेक्टर बनाया वो रोज़ी का, वो बहुत यूनिक कैरेक्टर है. वो बहुत ही अलग किस्म की कुछ, वो कुछ है, कुछ अलग है. तो इट वॉज सो वेल रिटन कि एक्चुअली आई टू जस्ट प्ले इट. इट्स बार बार बात कर रहे हैं, वापस उसी पे सवाल पूछना चाहूँगी. आपने बैक टू बैक मूवीज दिए हैं,
स्विच है, स्विच जो आप कर रही है, इसका कुछ प्रोसेस है या आपके माइंडसेट में कुछ ऐसे चल रहा रहता है? या आप बस्तर में जो आपने किरदार निभाया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल. अभी आपने सनफ्लावर सीजन 2 में जो निभाया वो काफी बाकी प्रोजेक्ट से काफी अलग है, तो क्या प्रोसेस आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? ऑडियंस हमेशा ऐसे बोलते हैं कि ये अदब जो पहले हमने देखा वो तो नहीं है, एकदम डिफरेंट है. थैंक यू, दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक. एंड वो सुनने के लिए कोई भी एक्टर तरसेगा, सो थैंक यू सो मच, दैट मीन्स सो मच. एंड आई थिंक शायद हज़ार लोग रहते हैं मेरे दिमाग में, मैं एक एक चुन के ये करती हूँ. बट आई ट्राई कि जितना करूँ कि अदा नहीं लगे. तो मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है रियल लाइफ में. जैसे आप भी, आप मुझसे बात कर रही हैं ना, मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, फिर मैं रिकॉर्ड करती हूँ अपने ब्रेन में. और बाकी सपोज मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ से ऑफ अ जर्नलिस्ट कल, तो मैं आपके मैनरिज्म से कुछ ले लूँगी. मैं इनका ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, मैं इनके मैनरिज्म्स देख रही हूँ, उनका अंदाज. मैं बहुत ऑब्जर्व, आई लाइक टू थिंक सो. मैं कोई भी इंसान, जानवर, किसी से भी मिलती हूँ तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ और मैं रिकॉर्ड करके रखती हूँ. मेरे दिमाग में फाइल्स है, तो जब भी कोई कैरेक्टर है मैं वो फाइल निकाल के यहाँ से ये लेती हूँ और यहाँ से. आई थिंक हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सुनील सर? वो इट वाज ऑसम. आई थिंक कि मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि पहली बार मैं कॉमेडी कर रही हूँ और विद द बेस्ट. आई थिंक हिज कॉमिक टाइमिंग इज सो नाइस. कुछ लोग वर्बल कॉमेडी में अच्छे हैं, कुछ लोग स्लैपस्टिक में अच्छे हैं, कुछ लोग, आई थिंक ही डज एवरीथिंग, ऑल द काइंड्स ऑफ कॉमेडी. उनका जो गुत्थी का कैरेक्टर था, वी ऑल आर लाइक रियली वी लव दैट. बट वो भी कर सकते हैं और वो सीरियस वाली कॉमेडी भी कर सकते हैं. तो आई रियली लुक अप टू हिम एज एन एक्टर एंड आई थिंक आई एम लकी कि सनफ्लावर में आई गॉट टू गो. अगर बात करें आज के दौर की, जैसे कि आपने एक के बाद एक परफॉर्मेंस दिया और वो तीनों मूवी सक्सेसफुल साबित हुई है, लोग आपके कैरेक्टर को याद करते हैं, और अभी भी तो केरला स्टोरी ऐसी मूवी थी कि लोग के जहन से नहीं गया, उसका स्टोरी हो या फिर आपका कैरेक्टर हो, लोग उसे इतना पसंद. लेकिन अब दौर आ गया है कि लोग बड़ी बजट की मूवी पेश कर रहे हैं, जैसे 2000 बजट हो गया, 1000 करोड़ का बजट हो गया, ऐसे. तो आप इन मूवी का पार्ट ना बनकर आप मतलब हिस्टोरिकल मूवी में जा रहे, तो इसका भी कोई रीज़न है या फिर? रीज़न मतलब भगवान ने आपको या फिर इतनी बड़ी बजट की मूवी आई होगी या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप रिजेक्ट कर दिए होंगे, आपको स्टोरी नहीं पसंद आई होगी? सी आई थिंक वैसे ना 1000 फैक्टर्स है कोई मूवी कौन करता है, बट आई फील कि फाइनली ऊपर वाले ने डिसाइड किया कि ये मूवी इनके पास जाएगी, इनके पास. वैसे तो हम लोग पूछ सकते हैं कि अदा शर्मा ही क्यों वो हाईएस्ट फीमेल ग्रॉसिंग फिल्म के लिए, उसको किसी और को ले लो, तो वो भी मुझे मिला है. तो आई हैव लर्न कि मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ, बिकॉज इतना लक किसी पे शाइन करना भी, आई कंसिडर माई सेल्फ बहुत लकी. लाइक यू सेड, जो आप तारीफ़ें कर रही थी और जो आप कह रही थी मेरे कैरेक्टर्स के बारे में, आई थिंक एज एन एक्टर आप उसी के लिए काम करते हो कि ऑडियंस देख के ये सब कहे. सो आई जस्ट होप मैं अच्छे रोल्स करूँ. एंड फिल्म का बजट थैंक गॉड मेरे हाथ में नहीं है, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, तो कोई और वो स्ट्रेस ले, मैं अपने एक्टिंग पे फोकस करूँ. और आई डोंट नो, 1 करोड़ या 1000 करोड़ या 100 करोड़ या जो भी करोड़ किसी को भी फाइनेंस करके बनानी है फिल्म, जब भी अच्छा कैरेक्टर है वो मुझे याद करके ले लें. बट या केरला स्टोरी जब हम लोग बना रहे थे तो एक बहुत छोटी फिल्म हम लोग बना रहे थे, छोटी आई एम सेइंग बजट वाइज. इट वॉज़ एन इंटीमेट फिल्म एंड हमें लगा कि हम फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज़ करेंगे. तो जब भी बनाई तो वैसे बनाई, पर अभी मैंने एक्टिंग किया जैसे मैं कोई आई डोंट नो 1000 करोड़ की फिल्म ही कर रही हूँ. तो एक्टिंग चेंज नहीं होती, अगर मैं म्यूज़िक वीडियो कर रही हूँ या मैं एक ऐड कर रही हूँ या मैं 1000 करोड़ की मूवी कर रही हूँ, मैं एक्टिंग सेम रखती हूँ. तो दैट डजेंट रियली मैटर फॉर मी, वो प्रोड्यूसर्स का लुकआउट है. थैंक यू, वाओ, उससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ फिर, बिकॉज देन आई डोंट नो. आप प्राइस जो आपने कही वो बात तो प्राइसलेस है मेरे लिए. मैंने रिकॉर्ड करके रखा अपने दिमाग में और मैं रोज़ प्ले करूँगी एंड आई से कि वाओ ये क्या लाइन हुई. तो देन या आई डोंट नो, बजट इज़ इट रुपीज दैट यू गेट या ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स, मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट या है. और तो हाँ, आई थिंक कोई भी रोल चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ हो तो रिसर्च डेफिनेटली करना चाहिए. स्पेशली अभी रियल लाइफ हो तो डेफिनेटली आप
करो रिसर्च एंड मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो मेरे से काफ़ी अलग है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है या कुछ भी है। आई वॉज़ लकी कि वहाँ जो आई जीज थे मैं उनसे मिली, जो लड़कियाँ CRPF में थी मैं उनसे मिली, तो वैसे रिसर्च किया। मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन वर्कशॉप्स भी हम लोग ने किया और सुदीप्तो सर ने कहा कि इतना चिल्लाओ ताकि गला फटे, बिकॉज आई वॉन्ट द वॉइस, सुरीला आवाज़ नहीं चाहिए मुझे, ऐसे नहीं कि वो दंतेवाड़ा से लेफ्ट लेना, वैसे नहीं चाहिए शिशु से दंतेवाड़ा में वो यू नो, या मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, शुडन सर मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, शुडन बी पोलाइट और सॉफ्ट स्पोकन। तो हाँ उस पर भी काफ़ी मेहनत हुई एंड आई एम ग्लैड आपको वो अलग दिख रहा है, फॉर एन एक्टर दैट्स ऑल आई रियली वॉन्ट। थैंक यू। जी काफ़ी मतलब आपकी जो एक्टिंग है सिंपलिसिटी है वही लोगों को पसंद आती है। थैंक यू। आपने हिंदी डब देखा या तेलुगु में? हिंदी सब में देखा है। वो मेरी आवाज़ नहीं थी पर एक्टिंग है वो आपको अच्छी लगी। थैंक यू। थैंक यू। आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने वहाँ शूटिंग किया है, हिंदी इंडस्ट्री में भी शूट किया है, कुछ डिफरेंस है मतलब साउथ और हिंदी में कुछ डिफरेंस है अगर हम शूटिंग एक्सपीरियंस की बात करें, एटमोसफियर की बात करें, ओवरऑल डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? और नहीं, आई थिंक ऑडियंस सेम है, लाइक यू सेड फाइनली कनेक्ट होना चाहिए। आप कहीं से भी हो, आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हो, लाइक केरला स्टोरी रिलीज हुई लंदन में एंड ऑल, एंड लोग जो हिंदी बोलते भी नहीं है, मलयालम और हिंदी मूवी है केरला स्टोरी, उनको समझ में और उनकी दिलों को वो मूवी ने छू लिया। तो आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज़ अ थिंग। एंड एक्चुअली हार्ट अटैक मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी फिल्म थी तब तक, एज एन बजट वाइज, एंड पूरी जगन्नाथ इज़ लाइक द बिगेस्ट डायरेक्टर देयर, और नितिन इज़ लाइक अ ह्यूज सुपर स्टार, एंड दे टुक मी इन दिस मूवी जहाँ पे यू नो आई एम द सोलो लीड, जहाँ पे 8 गाने हैं, डांस नहीं था, वो माइमिंग ऑफ द सॉन्ग्स था एंड ऑल, बट नो इट्स जस्ट कनेक्ट आई थिंक फाइनली। एंड दोनों इंडस्ट्री सेम है, वी हैड अ डी ओ पी जो बॉम्बे से आए थे, सो Finally, no, I didn't really feel very different other than the language, जो मैंने ट्यूशन टीचर रख के सीख लिया, बिकॉज मुझे जानना है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो अगर मुझे भाषा पता नहीं है और मेरे बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट लाइक, तो मैंने टीचर रखा था और मैंने सीख लिया। तो केरला मूवी के बाद आपका ये टर्निंग पॉइंट करियर में? आई वुड लाइक टू थिंक सो, येस आई वुड लाइक टू थिंक हर एक मूवी को टर्निंग पॉइंट होना चाहिए आपके करियर में, अलग अलग इसमें, बट केरला स्टोरी ने आई थिंक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म दिया मुझे। एंड आई मीन हाँ, जो लोग मुझे शायद जानते नहीं थे पहले, आई बिकेम अ हाउस होल्ड नेम आफ्टर दैट, बिकॉज सबने देखी है फिल्म, सो मे बी दैट वे। वैसे टर्निंग पॉइंट इज एवरी मूवी, 1920 आवर्स से मेरा डेब्यू था टर्निंग, बट या केरला स्टोरी ऑफकोर्स पुट मी ऑन द मैप। थैंक यू सो मच, थैंक यू।